चलो। दोस्तों गुड आफ्टरनून, आप लोग देखें 4 बजे भोर हम कैसे घर से इधर इधर जो बोलता है उसको निकाल रहे थे। ऐसे पता नहीं होता है कि नहीं होता है, नहीं पता, लेकिन ऐसा करना चाहिए, सब कोई करता है तो हम भी करते हैं। तो शिवानी उठाई थी भोर को, तो उठ के और निकाल दिए। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था इसीलिए पूरा ब्लॉग नहीं दिखा सके आप लोगों को। तो दोपहर का भी 1 बज गया है, हम लोग नहा धो के पूजा पाठ जो भी है सब कर लिए, पारण कर लिए और चावल और सब्जी बन गया है। और अभी जा रहे थे पैकिंग करने क्योंकि जाना भी है कल, तो अभी पैकिंग वैकिंग कर रहे थे। क्या पैकिंग कर रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं वो तो आप लोग पहनेंगे छठ पूजा में, तभी आप लोग देखिएगा। और सारा चीज़ यहाँ से फिर लेके जाओ, फिर लेके आओ, मतलब कि बहुत सारा काम हो जाता है। अभी घर का भी देख ही रहेंगे, रमली उमली का हालत। यहाँ पे हम कपड़ा अपना पैक कर लिए हैं और चूड़ी नहीं हो रहा था, चूड़ी लिए हैं इसी में। और एक चीज़ आप लोगों को दिखाना था, ये देखिए, ये है मेरा न्यू पर्स जो कि हो गया है 2 महीना। इसको अभी ओपनिंग कर रहे हैं तो बोले तो आप लोगों को दिखा देते हैं क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली हैं। तो मम्मी खरीद के दिए थे, ऐसे छोटा पर्स देख रहे थे तो हम बोले नहीं हमको बड़ा पर्स चाहिए क्योंकि मेरे पास बड़ा पर्स नहीं है। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा पर्स है और इसका कलर आप लोगों को कैसा लगा। तब इसी में सारा सामान डालेंगे अपना। तो ये है आज बासी दिवाली और आज भी दिया लगाए हैं हम लोग, देखिए सब जगह लगा दिए, एक एक ठोकर के ही दिए हैं, बट आज भी दिया जलाए हैं क्योंकि दिया जलाना चाहिए। प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लग रहा मेरा आंगन। और इधर गली में भी एक ठो दिया दिए हैं, देखिए हमको तो बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। ये जा रहे हैं हम लोग, शिवानी लेके लेके जा रही है छत पे। बस हो गया छत के ऊपर, यहाँ ला यहाँ तो मोमबत्ती दे दें, यहाँ रखो बालकनी है। ठीक से गिरा ना, इधर देख। जाने के लिए हम रेडी हो गए हैं, देखिए स्वेटर निकाल लिए हैं क्योंकि ठंडा बहुत है। तो चलिए चलते हैं बाजार, थोड़ा सा खरीदारी करना है और एक जगह लेके चलते हैं। तो हम आ गए हैं घर और आप लोग को बोले थे कि हम कहीं जाएंगे, तो गए थे हम पार्लर। और एक चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। एक मिनट देखिए, हम अपना बाल पूरा कटा लिए,
बहुत छोटा हो गया। और पीछे से देखिए, जानी देखो तो, देख के बताएगा मेरा बाल कैसा लग रहा है। ठीक है कलर कर लेते ना, और अच्छा लगता वहां पर ही करेंगे। देख के बताएगा प्लीज, कमेंट करके कैसा बाल लग रहा मेरा। कौन मनी दे रहा है? तो ये हम बाल कटाए क्योंकि बाल मेरा दुर्गा पूजा से ही बहुत झड़ रहा था, बहुत ज्यादा ही झड़ रहा था और पूरा रफ भी हो गया था, रोज धो धो के। तो हम बोले ठंडा भी आ गया है तो बाल कटवा लेते हैं। फाइनली हम बाल कटा लिए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा बाल। लड़की है शिवानी। हाँ। चलो चलो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। अभी हम ट्रेन में हैं और फिर से जा रहे हैं घर, क्योंकि छठ पूजा के लिए ही जा रहे हैं। पर अभी फोन आया था और बाल मेरा देखो, बाल मेरा बहुत अजीब लग रहा, बहुत छोटा हो गया। बहुत पतला भी था बाल मेरा, से लगता था कि बहुत बड़ा है, सेट करने में ही छोटा हो गया। और छोटा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। पूरा छठ पूजा देखते हैं छठ पूजा में कैसा हुआ। नहा धो के पूजा वूजा करके आए हैं, जल डाले अगरबत्ती जला, भोग कंचन लगा देगा, तो अभी जा रहे हैं घर। यहाँ पे स्टेशन में है और यहाँ पे आके हम बाल थोड़ा सा बांध लिए हैं, नहीं तो मम्मी देखेगा बोलेगा तुम बाल काहे कटाई है। तो अभी चलते हैं घर, चलिए और घर चलते हैं। क्या कर रहे हैं? ओहो मत पूछिए, जो हम क्या बोले थैंक यू। क्या सुन रहा शिवानी? क्या सुन रहा? कौन सा? पालक साग। और हम यहाँ काट रहे हैं आलू टमाटर। पहुँच गए हम फिर से घर। उनको पता नहीं कि हम उनको देख रहे हैं। हमको मुँह में पानी आ रहा है, मुझे चटनी चाहिए, मुझे चटनी चाहिए। दादी को बोलता ना पत्तल ले ले आता। जानते हैं कि आपको भी मुँह में पानी आ रहा है? नहीं हमको मुँह में पानी नहीं आ रहा है। गैस को बोल रहे, गैस को, आपको नहीं? गैस हमको भूख लगी है। वही हाल है जज साहब मेरा भी। मामी क्या कर रही है? देखिए मामी क्या कर रहे हैं, इग्लू बना रहे मामी। हम लोग के भाई, हम लोग गरीब आदमी है ना, हम लोग घर में ही ट्राई करते हैं। क्या है ना रानी? देखिए यहाँ मेरे मामी इग्लू बना दे रही है। ऑनलाइन तो कितना अच्छा अच्छा नथिया आया, पूछेगा मम्मी का मन टीका और डिस्प्ले गोल वाला राजस्थान आएगा। हो गया स्टॉप कर दे। हां इसको एकदम खराब कर लेते हैं आप नहा नहा के। हमको मत ले, अब स्मार्ट बनिए गज्जर। अब स्मार्ट बन गए। व्लॉग बना रही है? देख मेरा मामू बकरी के लिए कुट्टी लेने आया।
दिखा, हम बहुत दिन से नहीं लिए लोग। आलू आधा किलो लगो लिए देखिए मेरा मामा बकरी के लिए क्या कर रहा है, उसके खाना बना रहा है। पापा आप इतना पानी भरते फिर भी मम्मी कुआं पानी क्यों नहाते, आप भी कुआं पानी नहाते मम्मी भी कुआं पानी नहाता। पानी बचाते हैं, पानी बचाते हैं, कुआं का आदमी हम लोग हैं, अपन डूबी हम ठाकुर है राजकुमार। कैसे बोला से दिन पियल था तो सुना नहीं बाकी तेरे तो कि तकनी की पला थी बना खाना बना की मेहमान है। चला तुम सारे संग मम्मी यहाँ पे लगाए हैं फिर से हरा भरा सा पता नहीं क्या लगाए हैं। चलिए मम्मी से पूछते हैं और दिखाते हैं। इसमें क्या लगा है? और उधर मेथी, वो मेथी है, ये मेथी है और ये गेंधारी साग। ये तो आप लोग सभी जानते हैं पालक का साग, धनिया पत्ता, धनिया पत्ता। हम भी वहाँ लगाते हैं लेकिन जहाँ पानी तो हो गया ऊपर में दिया नहीं है। बैंगन, बैंगन, टमाटर, मिर्चाई। हाँ ये बैंगन लगाए, टमाटर, बैंगन तो मर गए झरिया। ये आलू, वाह देखिए आलू निकल भी गया देखिए, वाह। इसको बोल, इसको बोलता है एकदम प्योर, एकदम एकदम प्योर किसान। किसान का बेटी बोलिए, किसान बोलिए मतलब। हाँ आपका पापा का नाम क्या था? पांचू रजवार का बेटी इसको बोलते हैं। चिंता देवी। आलू भी लगा दिए, बैगन भी लगा दिए, मिर्चा भी लगाए हैं और टमाटर भी लगा दिए हैं और वो शायद कद्दू है ना मम्मी, कोहड़ा भी लगाए हैं। तो ये यही मम्मी और पापा ही मेरे मेहनत करते हैं और ये सब को मतलब उगाते हैं। और कभी आएंगे बेलगा वो बड़ा जैसा नहीं दिख रहा। आलू लगाए ना हमको बहुत अच्छा लगा, मेरा बेटा को रख दी। हाँ चल तो रहा है, जाना है को आपने कई दिन। अरे अभी मम्मी का चावल भूनने और इधर नारियल कट रहा है, चटनी बनेगा इसका, चुगली कर रहा है, आ गया इसमें। इसको हम ये नहीं करेंगे, देखिए कैसे बोल रही है, चुगली कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं। दे बेटा छोड़ नहीं जरा सा, इतना पीस पीस का काट दे थोड़ा देखे ले। वहीं बैठ करके ना रनिया मूर्ति नियर देख रहा है, लेकिन इसका मात सत्तू के लिए छत। तो मेरा रोटी बन गया है और चटनी भी बन गया है, रानी बेली है हम सेके। तो मेरा बर्तन वर्तन हो गया है, खाना पीना सब हो गया, पापा को सिर्फ दूध देंगे और इसी के साथ हम अपना ये ब्लॉग एंड करते हैं। आप लोग इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और हाँ आप लोगों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे मेरा ब्लॉग को प्यार देते रहिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग देखते रहिए। हम रहेंगे यहाँ पे या फिर जाएंगे पता नहीं, लेकिन आप लोग को ब्लॉग हम ज़रूर दिखाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरा ब्लॉग देखते रहिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, थैंक यू। और प्लीज़ 5 से 6 मिनट जरूर वॉच कीजिएगा मेरा ब्लॉग। और ऐसे ही मतलब कि एक जन जैसे बोले कि आपका ब्लॉग बहुत लंबा होता है, तो हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा ब्लॉग हम क्या करते नहीं करते हैं आप लोगों को दिखाएं, तो बस इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ वॉच कीजिएगा ज़रूर। तो इसी हिसाब से हम अपना ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय, गुड नाइट।